हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, आज हम दिखाते हैं आपको कि मालती चौहान देखना कल कैसे रो रही थी, पछता रही थी अपने किए पर। जो है कि ये समझ लीजिए कि वो बिशोड़ राज को फिर से फंसाने की एक साजिश कर रही है भाभी से मिलकर। और आइए हम वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस तरह रो रही थी। और रुको, हमें देख रहे हैं कि हमारे नाम से इतना लोगों को नफरत हो गया है। कभी आप लोगों ने जाना मेरे बारे में कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है? आप लोग ने जाना? हमें एक चीज बताना नहीं चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। और रहने दे रहे हैं ना ही सुकून से, हम लोग को कुछ भी नहीं करने दे रहे, ना ही जीने दे रहे हैं, ना ही कुछ करने दे रहे हैं। अगर जीने लायक, जीने का हक नहीं है हमारा, तो हमको कुछ करने भी तो नहीं दे रहे हैं आप लोग। हम इस दुनिया में बदनाम होकर अपने आप पे कलंक लगा के हम अगर दुनिया से चले भी जाएंगे ना, तो हमको लोग हमेशा हमेशा के लिए गलत साबित कर देंगे। यही सब चीज सोच कर आज हम जी रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग ऐसा मत करिए कि हम लोग कुछ करने पे मजबूर हो जाए। कभी किसी को सोचा है हम लोग, हमारे बारे में ऐसी कभी कुछ हुआ ही नहीं था कि हम भी ऐसा कभी करेंगे, लेकिन तो हमको मजबूर कर दिए थे। जब से मेरी शादी हुई थी ना, हम सुकून से नहीं थे। हमारा कौन कोई नहीं, हमारे घर वाले भी, हमारे मायके के लोग भी ना, आज सब लोग सफाई दे रहे हैं ना, कोई नहीं था आगे पीछे। अब बस जब बोलते थे ना कि आज हम मार खाए हैं ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज हम ये काम कर लिए तो सबको बहुत दुख हो रहा है, सबका इज्जत जा रहा है, सब लोग बेइज्जत हो रहा है। अरे जिसकी बीवी थी वो जब दूसरे के हाथ में हाथ रख दिया, तो और किसके पास क्या है? किसी और को बना दिया। अगर आप लोग को गलत मेरी बात लग रही है तो मुझे बताना। अगर वो अगर एक बार भी सोचा होता कुछ ना बेचारा, तो ऐसा कभी करता नहीं हमारे बारे में। नहीं, आज बेटे का याद आ रहा है। देखिए बेटा मेरा कैसा है, बेटे का याद आ रहा है। हम लोग जिस तरह काट रहे हैं अपना जिंदगी ना, हम लोग को खुद ही समझ में आ रहा है। और कह रहे हैं कि यहाँ जाने से वहाँ जाने, देखिए कहीं जाने से किसी के अंदर कुछ होता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि ये लोग मजा मार रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, हमारी तो जिंदगी नरक हो गई है। सब लोग हम ही को गलत बनाए, क्योंकि हाँ हम गलत थे, गलत हो भी गए हैं। अगर हम कुछ कर भी लेंगे अपने आप को, तो हम हमेशा हमेशा के लिए पब्लिक के नज़र में गलत हो जाएंगे, कभी सच बन नहीं पाएंगे। इसीलिए सच्चाई क्या है, सच्चाई पूरा जान लेना चाहिए, फिर किसी के ऊपर अंगूठा उठाना चाहिए। हम नहीं सोचते थे कि हम ये जानते थे कि हम अर्जुन से प्यार करते हैं, उनके बिना नहीं जी पाएंगे। लेकिन हमको ये भी पता था कि हमारे पति के सिवा हमको कोई इतना प्यार नहीं करेगा। लेकिन तो जब उस दिन हम लोग गोरखपुर से आ रहे थे ना, हम लोग का जब समझौता हो गया, हम सीधे अपने मायके चले आए। क्यों चले आए थे? क्योंकि हम वहाँ कभी काली में सर उठा के चल नहीं पाते, तो हम सोचे कि दो चार दिन मायके में रहेंगे, फिर चले जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा, थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा, तो हम चले जाएंगे दीपावली तक। लेकिन तो हम जब वहाँ गए तो रात को 11-11 बजे युवराज के पापा घर गए थे, ये बात सबको पता है हमारे घर में। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरा बार बार फोन छोड़ते थे कि तुम बात करती हो, अभी भी अर्जुन से बात करती हो, ये हो, मतलब तेरे मेरे के बात बनावत रहने, एक एक के बात पूछत रहने कि हमके खुदी ना समझ में आता हम करी का। ओकरे बाद कहा थे कि ते अर्जुन से प्यार कर ली, शादी कर ले भी, हम कहली हम ना ही शादी करब, तो कहने प्यार निकल गए, सब प्यार निकल गया। हम कहली प्यार तो कर ही ले, लेकिन तो हम शादी ना करब, कहीं हम दूसरे शादी करी, हमारे लिए तोरे पे तो तू का रधिकवा के शादी कुल कही ला, तो रधिकवा के शादी कर लेबा। अब आप लोग सच में बता रहे हैं कि ये बंदा किसी और के लिए नहीं किया है, मुझे दूसरे के हाथ क्यों सौंपा है, बस राधिका के लिए सौंपा है। तो खुश रहो बाबू, हमको पता है आप आज नहीं शादी करेंगे, कल नहीं शादी करेंगे, साल भर के 2 साल के बाद करवा, लेकिन करवा तो वही शादी, हमें इतना तक के पता बा। हम देखा का रहा कि हम केहू दुनिया के सामने रोई बना,
दिखावा चढ़ा, हमारे पास भी वीडियो सब पड़ा है, दिखा रहे हैं। हम वो वीडियो अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं तो इसी का आप लोग फायदा उठा रहे हैं। हमारे पास भी वीडियो था, अरे गई कि हम किसी को फंसा देंगे। हमारे मन में देखिए ना ही, हमारे नाम से लोगों को इतना नफरत हो गया, फिर भी हमारे ही नाम से पैसे कमा रहे हैं। अरे मत करो बदनाम मुझे कि हम अपने आप को कुछ करने पे मजबूर हो जाएं। अरे जब से शादी हुआ, जब से पैदा हुए, तब से कभी किसी का प्यार नहीं जानते हैं। माई बाप, भाई भौजाई, बहन जी, जिकरे साथे जिंदगी भर रहे के उत्थू सोचली तेकर प्यार ना जानी। ते महीना में हमेशा 10 दिन ना भीतर रहे कि हम कहिया मार खात रहे ना। 10 दिन ना बीते कि हम कहिया ना मार खाई। ये मेहरारून के अगर ये एक थी रोटी सूखे मिल जाए तो खा के अपन जिंदगी पूरा बिता ले, लेकिन अगर वही मेहरारून ऊपर जिंदगी भर के लिए मुसीबत बन जाए। हम खुद ही सोचत रही कि चला हमार परिवार है, आज न ते बिया बिया न ते परसों हमार परिवार सुधर जाए, लेकिन सुधरे का वो इतना ज्यादा बिगड़ गए ना, जौन की आप लोग जानते हैं इतना मिनात हम करते थे ना ही। कभी दोपहर में सोने के लिए घर पे मिलता था ना ही कुछ। दिन रात हम काम करते थे, शूटिंग पे जाओ, घर का खाना बनाओ, एक बच्चा है उसको संभालो, फिर पूरा घर संभालो। हम कितना मुसीबत से करते थे, कोई जानेगा मेरे बारे में? नहीं ना जानेगा। उस सच्चाई क्या है आप लोग नहीं जानेंगे? मालती ऐसा कदम क्यों उठाई है आप लोग नहीं जानते? हाँ हमने गलत किया है, क्योंकि हमारे तरह एक औरत का भी जिंदगी खराब हुआ है। तो हम ये कहेंगे आपसे, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, हमको अगर हमसे आपको इतना दिक्कत है तो बताइए, हम अपने आप को खत्म कर देंगे, लेकिन तो आपको आपके परिवार से दूर नहीं होने देंगे। मालती इतना भी नहीं है कि आपको अपने परिवार से दूर कर देंगे, हमारे अंदर वो चीज नहीं है। हमारा तो जिंदगी ऐसे भी झंड था और पहले भी झंडी था, हमारे पास तो कौन विश्वास करेगा, क्योंकि अब हम दुनिया की नजर में गलत बन गए हैं ना। इसीलिए सलाम मेरा सकल देख दो मालती, जो कि कभी सोची नहीं थी कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन तो क्या करें, सब लोग करने पे मजबूर कर दिए। हम नहीं सोचे थे हमको कभी इतना मार खा के इतना उत्तू कही के। हम सोच ले जिंदगी सब सुख मिला, कब मार दिन जिंदगी भर दुख झेले, घर तक परेशान डाली, लेकिन मार इतना मार खाए नहीं ना। अभी भी मेरे शरीर में इतना दर्द होता है ना, मेरे पेट में इतना चोट लगा है ना कि हमको कभी हमारे पेट में दर्द नहीं होता था, लेकिन तो हमेशा अगर हम कुछ खा लेते हैं ना तो मेरे पेट में इतना दर्द होने लगता है ना कि क्या बताएं। आप लोग क्या जानेंगे हम क्यों ऐसा काम किए हैं, कि हम गलत हैं तो हम अपनी पूरी पब्लिक की कसम खा के कह रहे हैं ना, हम अपने आप को खत्म कर देंगे, लेकिन तो हम किसी के नजर में गलत नहीं बनेंगे। मेरे मरने के मेरे रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम गलत हैं। आपको लगता है ना हम आपके जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे जी? अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं ना तो हम आपके जिंदगी में नहीं आएंगे, हम अपने आप को खत्म कर लेंगे, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी से मुझे निकाल लिया। और हम आपको कह भी नहीं रहे कि आप मुझे बुला लीजिए, खुद ही इतना बदनाम हो गए हैं कि हम कौन सा शकल लेके आपके सामने आएंगे। तो यही है दोस्तों, हम किसी के नजर में गलत नहीं है। मेरे बातों में कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन तो अगर आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दे